राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की हालत भी दयनीय हो गई है, ऐसा एक वीडियो में नजर आया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था एक पुलिसकर्मी का, जिस पुलिसकर्मी को दो लोग बुरी तरह से मारते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने वर्दी पहन रखी है, उसके पास अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी है और इसके बावजूद उसको गरेबान से पकड़कर कुछ लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। इस वीडियो में दो लोग कांस्टेबल को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और ये सुना जा रहा है कि तूने पी रखी है। कांस्टेबल लगातार कह रहा है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। वाले वीडियो 1 अप्रैल का है और उत्तम नगर इलाके का है। वही से पहले कि हम आपको बताएं कि ये मामला क्या है, आपको बता दें कि DCP द्वारका ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लेने की बात कही है। दरअसल जिस कांस्टेबल को पीटा जा रहा है उसका नाम सुशील है और वो द्वारका में तैनात है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि सुशील उत्तम नगर के एक बिजनेसमैन जिसका नाम संजय गुप्ता है, उसके यहाँ एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO के तौर पर तैनात रहा। उत्तम नगर इलाके में संजय गुप्ता एक जाना पहचाना नाम है और आपको बता दें संजय गुप्ता को पुलिस की तरफ से 2 PSO दिए गए थे। इन 2 PSO में 1 PSO का नाम सुशील है। मैं आपको बता दें कांस्टेबल जिसका नाम सुशील है वो 1 अप्रैल को संजय गुप्ता से मिलने उत्तम नगर गया था। वहीं किसी बात में बहस हो गई और इस बहस में संजय गुप्ता का भतीजा अश्विनी भी शामिल था। अश्विनी गुप्ता और सुशील जो कि कांस्टेबल है, इन दोनों की पहले बहस होती है और उसके बाद सुशील अश्विनी गुप्ता को थप्पड़ मार देता है। बस इस बहस के बाद जैसे ही सुशील थप्पड़ मारता है अश्विनी गुप्ता को, संजय गुप्ता का भाई रिंकू गुप्ता जो कि उत्तम नगर में एक जाना पहचाना नाम है और रिफॉर्म के नाम से एक जिम भी चलाता है, वो और उनके अन्य साथी मिलकर पुलिस कांस्टेबल सुशील को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं इस वीडियो ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में भूमिका पर बहुत से प्रश्न खड़े हुए हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस एक कठपुतली बनकर क्यों रह जाती है इन हाई क्लास लोगों के सामने। वहीं जिस तरह से इस पुलिसकर्मी को पीटा गया है, पुलिस महकमे में इस पूरे मामले की निंदा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर एक अपमानजनक कृत्य है। वाली ये है वो मामला जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आता तो शायद किसी को ये पता भी नहीं चलता कि ऐसी कोई घटना घट चुकी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।